गुड मॉर्निंग क्लास। आज के वीडियो में हम सर्कुलर मोशन पर कैसे आगे पढ़ाएंगे। सर्कुलर मोशन का हम बता चुके थे, सर्कुलर मोशन के इंफॉर्मेशन दिए थे, उसके बाद उसका काइनेमेटिक्स हम बता रहे थे। काइनेमेटिक्स में अभी भी कुछ बचा हुआ है, जैसे रिलेटिव वेलोसिटी या एंगुलर वेलोसिटी का रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है। दो बॉडी अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है तो उसका रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, उसके बारे में बताएंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर बताएंगे, उसके बाद ही हम डायनेमिक्स में इंटर करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका काइनेमेटिक्स और आगे फर्दर बढ़ाते हैं। तो पहला है कि प्रूफ रिलेशन बिटवीन वी एंड आर। एक मेथड से बता दिए थे, अब ये दूसरे मेथड से बताते हैं। आर वी एंड ओमेगा, कंसीडर देयर बी बॉडी मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। इनिशियली द बॉडी इज एट पॉइंट ए हैविंग पोजीशन वेक्टर आर व्हेन द सेंटर इज एट द ओरिजिन। आफ्टर डेल्टी सेकेंड, डेल्टी इज वेरी स्मॉल, इट रीचेज एट पॉइंट बी व्हेयर पोजीशन वेक्टर इज आर प्लस डेल्टा आर। कंसीडर देयर बी There be a body moving in a circular path of radius r. Its center lies at the origin. Initially, T0, the body is at point A. Body is at point A. After delta second, it reaches at point B. Their position vectors. Vectors are r and r plus del r in such a way r magnitude plus r plus del r magnitude is equal to capital R and the body makes del theta angle at the center. Okay, इसका information screenshot लीजिए जल्दी। इसका information है, consider the body circular path move कर रहा है, center उसका origin पर है, initially body A point पर है जिसका position vector r है, delta second में वो B point पर पहुंच गया, delta second में अब del theta बना है। इस ए का पोजीशन वेक्टर आर है, बी का पोजीशन वेक्टर आर प्लस डेल आर है, इस तरह से कि दोनों का मैग्नीट्यूड आर है, दोनों का मैग्नीट्यूड आर है, रेडियस है, एंड द बॉडी मेक्स डेल थीटा एट द सेंटर। नाउ फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री वी नो दैट, क्या जानते हैं, डेल थीटा इज इक्वल टू ए बी आर बाय रेडियस आर। अब इन ट्रायंगल del B is very small in triangle OAB, OA plus AB is equal to OB. OA is equal to R, AB नहीं जानते हैं, OB is equal to R plus del R, R R cancel, therefore AB is equal to del R. Now del theta is equal to del R by R. If AB is equal to ABR for a small displacement, small displacement के लिए लगभग दोनों बराबर होगा, divided by delta T both side, delta T both side, taking limit delta T tends to zero. डेल्टा थीटा बाय डेल्टी
limit del t tends to 0 is equal to limit del t tends to 0 del r by del t into 1 by r. लिमिट जब हटाएंगे तो डेल डी थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, डी थीटा बाय डी टी इज इक्वल टू डी आर बाय डी टी इंटू वन बाय आर, और डेल थीटा बाय डी टी ओमेगा डी आर बाय डी टी वी बाय आर, और वी इज इक्वल टू ओमेगा. इस तरह से भी प्रूफ किया जा सकता है. इससे पहले भी प्रूफ किए, ये दूसरा मेथड हुआ प्रूफ करने का. आप तो जो पसंद हो प्रूफ कीजिएगा. पहला वाला ज्यादा आसान हमको लगता है क्योंकि वेक्टर से और परफेक्ट डायरेक्शन देता है. इसमें क्लियर नहीं पता चला कि वी का डायरेक्शन क्या है. उसमें ईटी आया था, टेंजेंशियल डायरेक्शन हुआ था, क्लियर पता चल रहा था कि वी का डायरेक्शन किस वे में होगा. ओके, और दूसरा उसका है रिलेशन बिटवीन टू डिटरमाइन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टू डिटरमाइन सेंट्रीपिटल टू रिलेशन बिटवीन ए एंड लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन. इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे. इसी तरह का है, कंसीडर देयर बी अ बॉडी, सब इंफॉर्मेशन सेम ही है. मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, पोजीशन वेक्टर आर, डेल थीटा डेल टी में इस जगह का वेलोसिटी है वी टू, इस जगह का वेलोसिटी वी वन है. तो अगर ये डेल थीटा बना रहा है तो इसका भी डायरेक्शन डेल थीटा ही होगा. एक का डायरेक्शन वी वन है और दूसरे का डायरेक्शन वी टू है, और दोनों के बीच डेल थीटा है. ये ओ मान लेते इसको ए और बी, इन ट्रायंगल ओ ओ ए बी, ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी. ओ ए बराबर कितना दिया हुआ है, वी वन. ओ ए वी वन है प्लस ए बी, और ओ बी कितना है वी टू. स्पीड दोनों का सेम ही है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होने के लिए वेलोसिटी वी वन और वी टू माने. तो ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी टू माइनस वी वन, इसको डेल भी लिख देते हैं. तो डेल थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, ए बी बाय रेडियस कितना था, भी था, इसका मैग्नीट्यूड भी है. ए बी बराबर डेल भी बाय भी डिवाइडेड बाय डेल्टी बोथ साइड, डेल्टी बोथ साइड, दोनों साइड डेल्टी से डिवाइड करेंगे एंड टेकिंग लिमिट डेल्टी टेंस टू जीरो. तो लिमिट डेल्टी टेंस टू जीरो डेल थीटा बाय डेल्टी, लिमिट डेल्टी टेंस टू जीरो डेल वी बाय डेल टी इंटू वन बाय वी. डी थीटा बाय डी टी इज इक्वल टू डी वी बाय डी टी इंटू वन बाय वी. डेल थीटा बाय डी टी को क्या कहा जाता है, ओमेगा. दिस इज इक्वल टू डी वी बाय डी टी को क्या कहता है, ए बाय वी, और ए इज इक्वल टू वी इंटू ओमेगा. ए इज इक्वल टू वी इंटू ओमेगा, और ए इज इक्वल टू भी, भी तो रहने देते, ओमेगा बराबर भी बाई आर, और दिस इज इक्वल टू भी स्क्वायर बाई आर. ए इज इक्वल टू ओमेगा के टर्म में देना है तो ओमेगा आर इंटू ओमेगा, यानी ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर. ये फॉर्मूला हो सकता है या ये फॉर्मूला हो सकता है. भी इज इक्वल टू, इसको नोट स्क्रीन शॉट लीजिए, भी इज इक्वल टू ओमेगा आ रहा है, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं. वी इज इक्वल टू ओमेगा आर, डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू टी. तो डी वी बाय डी टी इज इक्वल टू ओमेगा डी आर बाय डी टी, या आर रेडियस कांस्टेंट है तो डी ओमेगा बाय डी टी इंटू आर. तो डी वी बाय डी टी कितना हो जाएगा, ए, दिस इज अल्फा. ये रिलेशन बिटवीन ए एंड अल्फा है. इस तरह से भी बराबर ओमेगा आर प्रूफ करना होगा इससे पहले, अब तब इसको डिफरेंशिएट करके ऐसा निकालें. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अब हम बता रहे हैं रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी.
रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी तो अभी क्या पढ़ा है, मानते कोई बॉडी है, पी पॉइंट है जो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, पी पॉइंट वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये ओ पॉइंट के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ये यहां लिखा है इस तरह से कि ये इसके साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो वी का दो कंपोनेंट हो जाएगा, वी कॉस थीटा वी कॉस अल्फा और दूसरा वी साइन अल्फा, तो रिलेटिव वेलोसिटी रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ओ इज इक्वल टू वेलोसिटी विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ओ पी विच इज परपेंडिकुलर टू ओ पी बाय सेपरेशन बिटवीन ओ एंड पी, सेपरेशन बिटवीन ओ एंड पी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ओ इज इक्वल टू v sin alpha and divided by op, agar iska distance r hai r, in this way we can determine the velocity of a particle with respect to the axis of rotation jiske about wo ghum raha. Dusre type ko main chalte hain, agar do particle is tarah se kar raha to iska screenshot lijiye, matlab do particle move kar raha, ek particle V1 से कर रहा है जो अल्फा एंगल बना रहा है और दूसरा पार्टिकल V2 से कर रहा है जो बीटा एंगल बना रहा है और दोनों के बीच में सेपरेशन आ रहा है. टू पार्टिकल केस टू, चलिए वो केस वन था केस टू है, टू पार्टिकल ए एंड बी मूविंग विथ लीनियर वेलोसिटी V1 and V2 are be the separation between them V2 and V1, या V1 and V2 लिख लेते हैं, इसको A मान लेते हैं इसको B मान लेते हैं. Two particle A and B moving with velocity V1 and V2, R is the separation between them, दोनों के बीच separation R है. Both making angle alpha and beta, तो हमको बताना है कि दोनों के बीच relative velocity of A with respect to B is equal to होगा velocity of A with respect to B which is perpendicular to the separation, दोनों separation का perpendicular होना चाहिए and सेपरेशन बिटवीन देम, बिटवीन देम हम ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू, इसका दो कंपोनेंट हो जाएगा, एक होगा वी वन साइन अल्फा, एक होगा वी वन कॉस अल्फा, एक दूसरा हो जाएगा वी टू साइन बीटा, इधर हो जाएगा वी टू कॉस बीटा. तो ये दोनों नहीं लगेगा क्योंकि लाइन के अलोंग द लाइन है दोनों कंपोनेंट. These components are perpendicular to the separation. Their relative velocity both are in same direction, so their relative velocity will be subtracted. So A velocity of A with respect to B है, तो बेटा VA minus VB, अब आई separation कितना है R दिया हुआ है, अब VA perpendicular direction में क्या है V1 sin alpha और minus V2 sin beta by R. अगर velocity of B with omega angular velocity B with respect to होता तो होता वी टू साइन बीटा माइनस वी वन साइन अल्फा बाई आर, इस तरह से ये और ये निकाल सकते थे. अगर अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा हो तो केस थ्री, इसको जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, केस थ्री अगर अपोजिट, इफ दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, moving in opposite direction, तब angular velocity कैसे मानेंगे? मानते एक body इस तरह से move कर रहा है V1 से, particle A जो alpha angle बना रहा है, और दूसरा V2 से move कर रहा है जो V1
बीटा एंगल बना रहा है, दोनों के बीच सेपरेशन आ रहा है, इसका कंपोनेंट होगा वी वन जा रहा है, वी टू जा रहा है, और ये एंगल बना रहा है बीटा, एक ऊपर एक नीचे, तो इधर के कंपोनेंट कितना होगा वी वन साइन अल्फा और वी वन कॉस अल्फा, इधर क्या हो जाएगा वी वन कॉस बीटा, वी टू कॉस बीटा और वी वन वी टू साइन बीटा, इस तरह से होगा। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये बी है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी परपेंडिकुलर एंगुलर वेलोसिटी a with respect to b बराबर linear velocity a with respect to b perpendicular to the separation divided by perpendicular separation। ये दोनों perpendicular, इस line का perpendicular ये component और ये component है, this one and this one, they are in opposite direction, so इसका हो जाएगा b1 sin alpha plus b2 sin beta, और दोनों के बीच का separation है, ये r है, that is all, that is the angular velocity of a with respect to b। चौथा केस है, अगर जो ग्रेविटेशन चैप्टर है बहुत काम आएगा, दो सेटेलाइट मूव कर रहा है, ये कर रहा है एक ही प्लेन में कर रहा है, दो अलग अलग प्लेन में कर रहा है, तब कैसे रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे। केस फोर, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, केस फोर है, वहां पे दो कंसेंट्रिक सर्कल है, इसका रेडियस है आर वन और दूसरा कंसेंट्रिक सर्कल है जिसका रेडियस है आर टू, ये मूव कर रहा है वी वन से और ये मूव कर रहा है वी टू से, और दोनों के बीच का सेपरेशन, दोनों के बीच का सेपरेशन निकालना होगा, तो आप उसी तरह से सब बनाइएगा, इसमें करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ओमेगा ए, इसको ए मान लेते इसको बी मान लेते, तो ओमेगा ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू जी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी परपेंडिकुलर टू द सेपरेशन बाय परपेंडिकुलर सेपरेशन, वी ए माइनस वी बी बाय दोनों के बीच का सेपरेशन कितना लगा, ये आर टू रेडियस है, परपेंडिकुलर सेपरेशन आर टू माइनस आर वन होगा। पोजीशन वेक्टर के टर्म में रखेंगे तो पोजीशन वेक्टर के टर्म में निकालेंगे, अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो अपोजिट में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, इस तरह का रहेगा। अगर एक सर्कल में केस फाइव चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, केस फाइव, केस फाइव क्या है कि अगर एक सर्कल है इसका लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, लीनियर वेलोसिटी भी है एंगुलर वेलोसिटी इसका ओमेगा है, एक पॉइंट है पी, ये ओ है, तो इसके रिस्पेक्ट में इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू पी, ए का पी के रिस्पेक्ट है, ओ के रिस्पेक्ट में तो है, ओ के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ इज इक्वल टू ओमेगा सॉरी वी बाई आर हो जाएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है इसके रिस्पेक्ट, तो मानते हैं ये एंगल अल्फा बना रहा होगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी डी अल्फा बाई डी टी लिख सकते हैं इसको, ए विथ रिस्पेक्ट टू, वास्तव में अल्फा एंगल चेंज हो रहा है, ये एंगल बीटा अगर हम मान लें तो इसका एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पी ए है विथ रिस्पेक्ट टू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू पी होगा डी बीटा बाय डीटी हो सकता है, लेकिन ये तो डिफरेंशिएट करने का फैक्टर, अगर इक्वेशन दिया तब ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हमको तो यहाँ निकालना है, तो इस तरह का ये डिस्टेंस आ रहा है, ये डिस्टेंस आ रही है, बीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल पर दिस इज रेडियस दिस इज ऑल्सो रेडियस, तो ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा, ये टोटल ये 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस बीटा हो जाएगा, तो इसके ठीक परपेंडिकुलर ये हो जाएगा बीटा,
जो ये एंगल है यहां पर आएगा, तो इसको लिखेंगे डी, डी इस डायरेक्शन में, डी इस डायरेक्शन में, तो इसको आ जाएगा साइन बीटा, भी साइन बीटा, इधर होगा भी कॉस बीटा, ठीक है। तो इसका होगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पी या ए विथ रिस्पेक्ट टू पी होगा भी साइन बीटा बाई एपी। अब एपी का वैल्यू दिया है तो ठीक है, नहीं तो निकालना होगा हमको। ये अल्फा है, ये कितना होगा 180 माइनस अल्फा होगा, तो कॉस कॉस 180 माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, इस पर डी मान लेते हैं, डिवाइडेड बाय 2 आर आर। तो कॉस 180 माइनस अल्फा माइनस कॉस अल्फा, दिस इज इक्वल टू 2 आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाय 2 आर स्क्वायर। तो इसको निकाल सकते हैं 2 आर स्क्वायर माइनस 2 आर स्क्वायर कॉस अल्फा बराबर 2 आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, डी स्क्वायर इधर लाएंगे, 2 आर स्क्वायर कॉमन 1 प्लस कॉस अल्फा, 1 प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2, तो यह जगह 4 आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 डी स्क्वायर बराबर, तो डी इज इक्वल टू होगा 2 आर कॉस अल्फा बाय 2, जितना एंगल होगा उसका आधा करेंगे और रेडियस डबल ले लेंगे। तो इसका डब्ल्यू ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू होगा बी साइन बीटा डिवाइडेड बाय एपी 2 आर कॉस अल्फा बाय 2, इस तरह से एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे। किसी सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट के वक्त, किसी सर्कमफ्रेंस के किसी पॉइंट के वक्त सर्कमफ्रेंस पार्टिकल जो उस सर्कमफ्रेंस में मूव कर रहा है उसका एंगुलर वेलोसिटी ये होगा विथ रिस्पेक्ट टू पी है, तो डायरेक्ट एंगल अगर दिया तो एंगल के टर्म में हम निकाल लेंगे वो डायरेक्शन को साइन से निकाल लेंगे। इस तरह से हम रिलेटिव वेलोसिटी अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग का निकाल सकते हैं। अब हम इसमें कर्वेचर बता देते हैं, क्योंकि सर्कुलर पाथ हो सकता है कि यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है, तो उस केस में सर्कुलर मोशन का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो। वैसे इसको हम प्रोजेक्टाइल में बताएं हल्का हिंट दिए हैं, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ का ए बराबर होता है वी स्क्वायर बाई आर, आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई ए लिख सकते हैं, मतलब टेंजेंशियल में होल स्क्वायर एक्सरेशन विच इज एक्सरेशन एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड द सेंटर, ये फॉर्मूला हुआ। तो मानते कोई बॉडी इस तरह से कर्व पर घूम रहा है, यहां का वेलोसिटी भी है, इधर की ओर ए लग रहा है, तो इस सर्कुलर पाथ का रेडियस होगा थोड़ा सा और ऐसे जा रहा है ऐसा, तो इसका रेडियस होगा कर्वेचर का रेडियस होगा आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई ए, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में लग रहा था। अगर ये छोटा रेडियस होगा, इसका रेडियस ये आर वन था, ये आर टू है, एक्सेलरेशन उसका ये ही लग रहा है, तो आर टू इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ का वेलोसिटी बी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, तो वी स्क्वायर बाई वी वन स्क्वायर बाई ए। तो किस जगह का वेलोसिटी ज्यादा होगा, नेचुरली जहां पर इस अगर देखा जाए वी वन वी टू के आधार पर देखा जाए, तो एक्सेलरेशन अगर हम कांस्टेंट रखते हैं तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है, यहाँ रेडियस कम है तो यहाँ का वेलोसिटी कम होगा और यहाँ का वेलोसिटी ज्यादा होगा अगर ए कांस्टेंट है तो। प्रोजेक्टाइल में भी इसको हम बता चुके थे कि मात्र कोई बॉडी को प्रोजेक्टाइल से ही दिखाते हैं, इसका सुन लीजिए, मानते कोई बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया था यू वेलोसिटी से इस तरह से गया, तो टॉप पोजीशन पर क्या होगा थीटा एंगल बन के प्रोजेक्ट किया गया, इधर यू कॉस थीटा, तो हम प्रोजेक्टाइल ने बताया था कि टॉप पोजीशन पर उसका वेलोसिटी यू कॉस थीटा होगा,
यहाँ पर एक्सेलरेशन जी अंडर ग्रेविटी लग रहा था, जी लग रहा है, मतलब रेडियस एट द टॉप पोजीशन होगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय जी। लेकिन अगर किसी जनरल पॉइंट पर निकालने का दे जो अल्फा एंगल बना रहा है, इस जगह का वेलोसिटी बोल रहा भी जो यहाँ पर अल्फा बना रहा है, और इसको यू से फेंके थे जो यहाँ पर थीटा बना रहा था, तो इधर का कंपोनेंट होगा यू कॉस थीटा, इधर का हो जाएगा वी साइन अल्फा। इस जगह का रेडियस पूछ रहा है कि क्या रेडियस होगा, ये रेडियस पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे, तो वी साइन अल्फा बराबर यू कॉस थीटा होता है, तो वी साइन अल्फा इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, हमको चाहिए टेंजेंशियल वेलोसिटी, तो वी इज इक्वल टू यू कॉस थीटा बाय साइन अल्फा हो जाएगा, हम टेंजेंशियल वेलोसिटी निकाल दिए। अब हमको जी चाहिए, तो जी एक्सेलरेशन इस सेंटर की तरफ, इस जगह ये सेंटर है मानते हैं, ये जी लग रहा है, अगर ये अल्फा है ये परपेंडिकुलर इसका होता तो ये 90 माइनस अल्फा होगा, और ये परपेंडिकुलर इसका ये 90 माइनस अल्फा तो ये अल्फा होगा, इधर की ओर एक कंपोनेंट हो जाएगा जी कॉस अल्फा, इधर का जी साइन अल्फा होता, दूसरे कंपोनेंट का छोड़िए, तो एक्सेलरेशन एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर इज जी साइन अल्फा, तो रेडियस उस जगह पर क्या होगा, रेडियस एट जनरल पॉइंट किसी भी पॉइंट पर आर मान लेते हैं, तो वी स्क्वायर बाय जी कॉस अल्फा, वी का वैल्यू कितना निकाले यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर अल्फा जी कॉस अल्फा, जी ए जी कॉस अल्फा, यस जी कॉस अल्फा, सर यहाँ मिस्टेक, तो जी कॉस अल्फा, यहाँ कॉस अल्फा, दिस इज कॉस स्क्वायर अल्फा, आर इज इक्वल टू जगह यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय जी कॉस क्यू अल्फा। अगर पोल की टॉप पोजीशन पर 10 सेंटीमीटर है तो 45 से एंगल फेंका गया, या इस जगह पर 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो क्या रेडियस होगा, तो डायरेक्ट भी हम इसका एक रिलेशन निकाल सकते हैं, आर इज इक्वल टू ऑल टॉप बाय कॉस क्यू अल्फा, टॉप पोजीशन पर जितना अल्फा होगा और जितना एंगल बना रहा है उसके आधार पर हम निकाल लेंगे कि रेडियस कितना होगा उस पॉइंट पर। तो इस तरह से कर्व सर्कुलर मोशन में किसी भी पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, अगर इक्वेशन दे दिया तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का एक फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू वन प्लस डी बाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का थ्री बाई टू डिवाइडेड बाई डी टू बाई बाई डी एक्स टू का मॉड, अगर आपको इक्वेशन दे दे कर पाथ का और तब पूछे तब ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा। हायर क्लास में पढ़िएगा कि मैथमेटिक्स अगर पढ़िएगा या फिजिक्स भी पढ़िएगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे डिराइव होता है वो पढ़ना है, अभी आपको बस याद रखना है रेडियस इज इक्वल टू वन प्लस डी बाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का थ्री बाई टू डिवाइडेड बाई डी टू बाई बाई डी एक्स टू का मॉड, निगेटिव में भी है तो पॉजिटिव लेना है, और अगर इक्वेशन नहीं दिया है तो इस तरह से निकलेगा। ओके, इसका स्क्रीन शॉट लीजिए। अब हम सर्कुलर मोशन का डायनेमिक्स में आते हैं, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, व्हेन द बॉडी मूविंग इन ए कर्व पाथ, व्हेन द बॉडी इज मूविंग इन ए कर्व पाथ, वेदर इट इज यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, it will require a force, real force acting towards the center, acting towards the center, real force acting towards this force is called, this force is called सेंट्रीपिटल फोर्स, इस फोर्स को कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स, यह फोर्स में भी फ्रिक्शन हो सकता है, में भी फ्रिक्शन, टेंशन, वेट दैट इज mg, नॉर्मल रिएक्शन, लॉरेंज फोर्स, कॉर्लिस फोर्स और बहुत सारे इटीसी, जितना भी आप रियल फोर्स है, कूलम फोर्स,
न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सब फोर्सेज है, जो रियल में फोर्स है वो लगता है। और जब वो घूमता है तो चूंकि ये ऑलरेडी एक्सेलरेटिंग है, तो द फ्रेम इज नॉन इनर्शियल, सो इट विल आल्सो एक्सपीरियंस ए फोर्स रेडिली आउटवर्ड, दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सिंस द पार्टिकल इज रोटेटिंग इन ए सर्कुलर पाथ विच इज एक्सेलरेटिंग, सो द फ्रेम इज नॉन इनर्शियल, फ्रेम नॉन इनर्शियल होता है, सो दिस फोर्स इज फोर्स इज सूडो फोर्स, फोर्स कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। काफी टीचर्स इसमें काफी कंफ्यूज रहते हैं और काफी बुक्स में भी कंफ्यूजन, अच्छे अच्छे बुक में तो ठीक लिखा हुआ है लेकिन ज्यादातर बुक में लिख देता कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज एमवी स्क्वायर बाय आर, ये एकदम गलत कॉन्सेप्ट है। सेंट्रीपिटल फोर्स रियल फोर्स होता है, या तो वो फ्रिक्शन हो सकता है, या टेंशन हो सकता है, या वेट हो सकता है, नॉर्मल रिएक्शन होता है, लॉरेंस फोर्स हो सकता है, कूलम फोर्स हो सकता है, न्यूटन्स ग्रेविटेशन फोर्स जो हो सकता है, जीएमएम m1 into m2 by r square, ये सब हो सकता है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगा वो mv square by r होगा। अब ये इक्वल हो सकता है, नहीं तो ग्रेटर होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे अगर कोई कर्व पाथ पर घूम रहा है तो फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है तो बड़ा हो सकता है, फ्रिक्शन फोर्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू mv square by r, इक्वल भी हो सकता है, लेकिन सेंट्रीपिटल कैन नॉट बी से, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं, कैन नॉट से दैट कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज द mv square by r, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द mv स्क्वायर बाय आर, एंड दिस इज नॉट द पहला कि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, फ्रेम में ये फोर्स लग रहा है, सूडो फोर्स है, इसलिए इस फ्रेम में न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं है, इसका मतलब एक्शन रिएक्शन नहीं लगेगा, यानी कैन नॉट से दैट सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द एक्शन रिएक्शन फोर्स, दैट इज द रॉन्ग वन। अब इसका हम डिस्कशन करते हैं, अभी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फोर्स इज सूडो फोर्स, नॉन इनर्शियल फोर्स दैट इज सेंट्रीपिटल इज नॉट action and reaction force, centripetal and centrifugal, centrifugal is not action reaction force, centripetal force action reaction force नहीं है, every action is equal and opposite reaction, centripetal लगेगा तो उतना ही centrifugal लगेगा, that's the wrong idea। एकदम पहला समझ लीजिए कि इसमें न्यूटन्स लॉ फेल हो रहा है, न्यूटन्स लॉ नहीं लग रहा है, मतलब एक्शन रिएक्शन नहीं है। दूसरा, सेंट्रीपिटल फोर्स फोर्स इज ए रियल फोर्स एंड इट मे बी ग्रेटर देन इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बड़ा हो सकता है। तीसरा, एफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर मानते हैं, इसका मतलब ये मास पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल के मास पर डिपेंड करेगा। दूसरा, इट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी एम ओमेगा स्क्वायर आर, डिपेंड्स ऑन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द फ्रेम, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रेफरेंस फ्रेम,
रेफरेंस फ्रेम के एंगुलर वेलोसिटी पर डिपेंड करता है. तीसरा डिपेंड्स ऑन द, इसमें एक पॉइंट और लिख सकते हैं, डिपेंड ऑन एंगुलर, डज नॉट डिपेंड ऑन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, डज नॉट डिपेंड ऑन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. पार्टिकल के एंगुलर वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा, ये करेगा रेफरेंस फ्रेम के एंगुलर वेलोसिटी पर. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तीसरा, डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द पार्टिकल, डिपेंड्स ऑन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रेफरेंस फ्रेम, डज नॉट डिपेंड ऑन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. पार्टिकल के एंगुलर वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा. थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट डिपेंड्स ऑन द सेपरेशन बिटवीन पार्टिकल एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन. इट डिपेंड्स ऑन द सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन. ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिपेंड करता है. ये सुडो फोर्स है, रियल फोर्स नहीं है. सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रिक्शन हो सकता है, टेंशन हो सकता है, उसको एम वी स्क्वायर बाय आर नहीं कर सकते. हो सकता है इक्वल, हो सकता है कि टेंशन ग्रेटर भी हो सकता है फ्रिक्शन ग्रेटर हो एम वी स्क्वायर बाय आर से, लेकिन दोनों एक्शन और रिएक्शन नहीं है कि एवरी एक्शन अब इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. न्यूटन बाय आर नहीं लग सकता. तीसरा चौथा पॉइंट एक और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम किसी तरीके से बाहर में रेडियली आउटवर्ड फोर्स लगा रहे हैं, दैट इज नॉट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. If a real force F is applied on a body, अगर कोई real force F apply कर रहा है body पर radially outward, it does not mean it is outward. अगर लग रहा है doesn't make it is centripetal force, centrifugal force. I think आप इसको इस centrifugal का concept समझ गए होंगे. ये काफी काफी confusing है. ज्यादातर teacher बोल देते हैं कि centripetal force is equal to mv square by r. That's the wrong idea. हम अभी भी stress देके बोल रहे हैं तो teacher गलत बता रहे हैं. जो भी बताते हैं कि mv square by r होता है centripetal force. Centripetal force वास्तव में जो बॉडी मूव कर रहा है, वो जो बॉडी मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, उसका फ्रिक्शन होता है अंदर की ओर जो लग रहा है, जिसके कारण वो मूव कर रहा है. ये सर्कुलर सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में नहीं घूम सकता, क्योंकि पार्टिकल के एंगुलर वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं कर सकता. इसलिए वो रेडियली आउटवर्ड लगता है. ये नहीं कि पार्टिकल के एंगुलर वेलोसिटी पर लग जाएगा, वो हमेशा रेडियली आउटवर्ड लगेगा. घूमने के लिए रिस्पॉन्सिबल सेंट्रीपिटल नहीं है. घूमने के लिए रिस्पॉन्सिबल सेंट्रीपिटल है जो फ्रिक्शन के रूप में रह सकता है, टेंशन के रूप में रह सकता है, ग्रेविटी वेट के रूप में रह सकता है, और या बताए थे न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स ग्रेविटेशन फोर्स. जैसे एक पार्टिकल अर्थ सन के चारों तरफ घूम रहा है तो ग्रेविटेशन फोर्स हो सकता है. एक इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहा है, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, कूलम्ब फोर्स रिस्पॉन्सिबल. जितने लॉरेंट फोर्स है, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ, तो उस लॉरेंज फोर्स जो लग रहा है उसके कारण हो सकता है. तो दीज आर द सेंट्रीपिटल फोर्स, नॉट एम वी स्क्वायर बाई आर. बराबर किसी कंडीशन में हो सकता है बराबर, लेकिन सभी कंडीशन में, ज्यादातर कंडीशन में सेंट्रीपिटल ग्रेटर देन इक्वल टू, और सेंट्रीपिटल फोर्स कम हो भी नहीं सकता है. सेंट्रीपिटल फोर्स या तो बराबर होगा नहीं तो बड़ा होगा. सेंट्रीपिटल फोर्स या तो बराबर होगा नहीं तो बड़ा होगा. ओके, चौथा पॉइंट. एक पॉइंट और था, चल नेक्स्ट अगले लेक्चर में हम बताएंगे इसका एप्लीकेशन. जितना भी है इसका एप्लीकेशन हम बता देंगे, और उसके बाद फिर हम वर्क पावर एनर्जी में इंटर करेंगे. इसका एप्लीकेशन है, 7-8 टाइप का एप्लीकेशन होगा. तो आप पहले सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को समझ लीजिए, बहुत जरूरी है समझना. ये समझना जरूरी था, इसलिए हम इसको स्ट्रेस देकर के सब पॉइंट्स हम दिखाए. ओके, ठीक है भाई. इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए जल्दी, और हम चाहते हैं कि आप लाइक करें मेरे वीडियो को.
कमेंट्स करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया, इस पे कमेंट्स हो सकता है, इसलिए आप कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर नए नए मेरे चैनल पर आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरा रेगुलर अगला वीडियो भी मिलता है।